सारे बच्चे ठीक ठाक? ठीक है सर। यस सर। यस सर। किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। नाश्ता वास्ता कर चुके हैं तुम लोग? यस सर। यस सर। तुम लोग नाश्ता कर रहे हो और हम व्रत रख रहे हैं, हम भूखे प्यासे रह रहे हैं। ऐसे ही व्रत का टाइम चल रहा है तो व्रत रखना पड़ रहा है। ठीक है, तो आज कौन से बच्चे को अनम्यूट करें? आज करते हैं अर्णव अवस्थी। अरे ये किसका साउंड आ रहा? आज अनम्यूट करेंगे अर्णव अवस्थी और एंजल। ठीक है, दो बच्चे को अनम्यूट करेंगे रोज बदल बदल के। सृष्टि प्रिया को, तो मतलब सृष्टि कुमारी को तो नेक्स्ट टाइम अनम्यूट किए थे। एंजल अनम्यूट हो जाओ। और अर्णव अवस्थी, अर्णव अवस्थी अनम्यूट होने बोले, अनम्यूट हो जाओ। यस सर। ठीक है, तो आज तुम दोनों ही अनम्यूट रहोगे। और अब बताओ मुझे कहाँ तक पढ़ाई हुई थी सर? सर। ठीक है, बुक ओपन करते हैं। ठीक है, अर्णव अवस्थी। ओके सर। सर संभाल रहे हो ना अपना घर गृहस्थी? अर्णव अवस्थी राइमिंग होता है। ठीक है, हम बुक ओपन कर रहे हैं। ओके सर। कौन सा लेसन है ये? जेंडर सिक्स है। यस सर, चैप्टर सिक्स। यस सर। अच्छा, ये रहा जेंडर। ये पेज तो हो चुका है ना? यस सर। सब पेज स्क्रीन पर, पेज स्क्रीन पर विजिबल हो रहा है? नो सर। नो सर। ठीक है, फिर से करते हैं। अब विजिबल होगा, हो रहा है अब? यस सर। ठीक है, तो देखो मैच दी फॉलोइंग तो नहीं हुआ था ना? नो सर। तो मैच दी फॉलोइंग करेंगे हम लोग आज, और नंबर लिखना है। ठीक है। ओके सर। तो बताओ पीकॉक का कौन सा नंबर होगा? नंबर फोर। नंबर फोर, वेरी गुड। बुल? नंबर फाइव सर। पहले समर का नाम लिखो, तो समर को क्लास से बाहर करेंगे, वो ड्राइंग कर रहा। ओके सर। बुल का क्या बोला? नंबर फाइव। ठीक है, ओके। नाउ लेट मी नो अबाउट नंबर सी, काउंट। काउंट का नंबर सी, नंबर सिक्स, काउंट। वेरी गुड, दैट इज करेक्ट। ठीक है, वेटर। नंबर थ्री। नंबर थ्री, वेट्रेस, दैट इज आल्सो करेक्ट। मैन?
वुमेन वुमेन पर सेवन सर ओके वेरी गुड हस्बैंड वन नंबर वेरी गुड ब्राइड ग्रूम नंबर टू ब्राइड ग्रूम नंबर टू यस सर वैसे ब्राइड ग्रूम का क्या मतलब होता है जानते हो नो सर एंजल यू नो ब्राइड ग्रूम का हाँ ब्राइड ग्रूम के मतलब होता है दुल्हा बाबू और ब्राइड के मतलब होता है दुल्हन इंग्लिश में ठीक है यस सर यस सर हम सोचे नहीं पता होगा तो बता देते हैं दुल्हा दुल्हन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं तो दुल्हा का हो गया ब्राइड ग्रूम और दुल्हन का ब्राइड नहीं मैच दी फॉलोइंग नहीं हुआ था चलो नेक्स्ट पेज में आते हैं अब ये पेज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है अर्णव अवस्थी पुट द फॉलोइंग वर्ड इन द राइट कॉलम पुट द फॉलोइंग वर्ड्स इन द राइट कॉलम यस इसका मतलब क्या हुआ एंजल सर मतलब कि इस सब में जितना भी है सबको भरना है इसमें क्या कुछ ईटा पत्थर से तो नहीं ना भरोगे कैसे भरना वो बताओ अर्णव अवस्थी तुम बताओ कैसे भरोगे इसके अंदर पानी भरना है या ईटा पत्थर भरना है कैसे भरोगे क्या भरोगे सर नेम भरना कोई ठीक से नहीं समझा पा रहे देखो इसमें से हम लोगों को मैस्कुलिन जेंडर ये सारे वर्ड में से मैस्कुलिन जेंडर अलग करना है फेमिनिन जेंडर अलग करना है और न्यूट्रल जेंडर अलग करना है जैसे नंबर वन है प्रिंस तो प्रिंस मुझे बताओ कि मैस्कुलिन जेंडर है या फेमिनिन जेंडर है या न्यूट्रल जेंडर है क्या है मैस्कुलिन जेंडर तो प्रिंस को हम लोग किस में लिखेंगे मैस्कुलिन जेंडर में यस तो सबसे पहले प्रिंस मिला है हम लोगों को तो मैस्कुलिन जेंडर में लिखते हैं प्रिंस ठीक है आप बताओ जैक जैक क्या होगा जैक मैस्कुलिन 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 जेंडर ठीक है जैक भी मैस्कुलिन वेरी गुड सही आंसर है तो जैक भी लिखते हैं हम लोग कॉमा दे दे कर लिखना है सारे बच्चों को कॉमा दे दे देना है प्रिंस कॉमा जैक फिर इस तरह से अब एस जो है एस वो क्या होगा मैस्कुलिन फेमिनिन न्यूट्रल क्या होगा न्यूट्रल नहीं एस मींस गधा होता है तो गधा भी मैस्कुलिन जेंडर है ठीक है फिर उसके बाद है जांडर जी ए एन डी आर जांडर जांडर को हम लोग किस में लिखेंगे जांडर भी मैस्कुलिन में होगा और जांडर का मतलब क्या होता है कोई बता सकते हो बताओ जांडर फैमिली में जांडर का मीनिंग क्या होता है जांडर का मतलब है यहाँ हंस जांडर का मतलब क्या होता है हंस हंस देखी हो ना जो बत्तख जैसा होता है यस सर तो उसी को इंग्लिश में जांडर भी बोलते हैं अब उसके बाद आते हैं डक डक क्या होगा मैस्कुलिन या फेमिनिन में फेमिनिन ठीक है डक फेमिनिन में आ जाएगा तो डक हम लोग फेमिनिन में लिखेंगे
और विक्सन, विक्सन मींस क्या होता है, मतलब विक्सन, विक्सन हाँ विक्सन फेमिनिन में ही आएगा। और विक्सन का मतलब क्या होता है कोई बता सकते हो? विक्सन का मीनिंग क्या होता है बता सकते हो अंजल, अर्णव अवस्थी? बोलो, अरे यस नो कुछ तो बोलो। नो सर। लोमड़ी होता है, लोमड़ी, फीमेल लोमड़ी। यस सर। उसके बाद क्या लिखा है विक्सन के बाद क्या लिखा है? यस सर। मेयर, मेयर किसमें होगा? मेस मेयर। बोलो कहाँ हम लोग लिखेंगे? यस। और मेयर के मतलब क्या होता है? मेयर के मतलब क्या होता है? फेमिनिन में होगा। मेयर का मतलब क्या होता है? घोड़ी, हॉर्स मीन्स घोड़ा और मेयर मीन्स घोड़ी, ठीक है? यस सर। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। गोट, गोट कहाँ हो जाएगा? गोट मैस्कुलिन, फेमिनिन होगा ना। अरे बकरी नहीं जानती है, गोट मीन्स बकरी होता है। बकरी नहीं देखी हो? देखिए। तो बकरी क्या हुआ, मैस्कुलिन जेंडर या फेमिनिन जेंडर? फेमिनिन, फेमिनिन। नहीं विश्वास है तो आज बकरी से पूछ लेना, ठीक है? चलो यू का क्या होगा? ई डब्ल्यू यू। यू भी फेमिनिन होगा। और यू का मतलब क्या होता है कोई बताओ? यू के मीनिंग में क्या होता है? भेड़ होता है। क्या होता है? भेड़, भेड़। नन का क्या होगा बताओ? नन मैस्कुलिन नहीं, नहीं फेमिनिन में। फेमिनिन, यस फेमिनिन। नन मतलब वो सिस्टर लोग जो होती है ना, उन लोगों को नन बोला जाता है। सिस्टर लोगों को देखियो ना स्कूल में। यस सर। उन लोगों को नन भी बोला जाता है। चलो उसके बाद है प्रीस्ट। प्रीस्ट कौन होगा? प्रीस्ट कहाँ होगा, मैस्कुलिन में या फेमिनिन में? सर फेमिनिन। नहीं मैस्कुलिन में होगा। प्रीस्ट मतलब होता है मैस्कुलिन। यस, प्रीस्ट मतलब होता है पादरी, जैसे फादर हैं स्कूल के वो प्रीस्ट, ठीक है? यस सर। यस सर। अब नीस लिखा है, एन आई ई सी, नीस। नीस का क्या होगा? नीस का सर फेमिनिन। फेमिनिन मतलब नीस मींस क्या होता है बताओ? भतीजी, भतीजी, भतीजी। यस सर। मॉन्क, मॉन्क कहाँ होगा बताओ? सर मैस्कुलिन। ठीक से सोच कर बताना है। फेमिनिन सर। नहीं मैस्कुलिन ही होगा मॉन्क। नहीं नहीं मैस्कुलिन में ही होगा मॉन्क। और मॉन्क के मतलब होता है साधु संत, ठीक है अर्णव अवस्थी? यस सर। मॉन्क बनना है, साधु बनना है। yes,
ओके नेक्स्ट में आते हैं टीचर, टीचर का क्या होगा सर? टीचर का सॉरी स्टूडेंट सर, क्या होगा टीचर का? एंजल सर, नेचर, न्यूट्रल जेंडर होगा क्योंकि टीचर लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकता है। न्यूट्रल अब बुल, बुल का क्या होगा? बुल कहाँ होगा सर? मैस्कुलिन में, मैस्कुलिन ठीक है। और बुल का मतलब क्या होता है? सांड ठीक। अब हम लोग आते हैं लॉर्ड, लॉर्ड का क्या होगा? लॉर्ड मैस्कुलिन में ही होगा लॉर्ड। डचेस, डचेस का क्या होगा? फेमिनिन सर, फेमिनिन। डचेस हम लोग लिखते हैं। और डचेस का मीनिंग क्या होता है कोई बता सकते हो? डचेस का मीनिंग क्या होता है कोई बता सकते हैं? डचेस का मतलब होता है रानी। डचेस का मतलब क्या होता है? रानी। क्वीन मतलब भी रानी होता है और डचेस मतलब भी रानी होता है, ठीक है? फैमिली। अब क्वीन हम लोग कहाँ लिखेंगे? फेमिनिन में। यस, तो क्वीन हम लोग लिखेंगे फेमिनिन में। जज, जज कहाँ हो जाएगा? जज न्यूटर में लिखेंगे। जज के बाद प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर कहाँ हो जाएगा? वो भी न्यूट्रल जेंडर में हो जाएगा। और लेडी कहाँ हो जाएगा? फेमिनिन में हो जाएगा लेडी। फेमिनिन। मदर कहाँ हो जाएगा? फेमिनिन में ही हो जाएगा। यस सर। और डॉटर भी कहाँ हो जाएगा? फेमिनिन में। फेमिनिन। और एयर, एयर कहाँ हो जाएगा? एच ई आई आर, उसको सही प्रोनाउंसिएशन करना है एयर, हेयर नहीं बोलना है। हेयर मतलब बाल होता है, हेयर मतलब बाल होता है, लेकिन ये एयर है, इसको प्रोनाउंस करना है एयर, एच ई आई आर। क्या प्रोनाउंस करोगे तुम लोग? एयर, एयर। यस, और एयर को हम लोग कहाँ लिखेंगे? मैस्कुलिन में। और एयर का मतलब क्या होता है कोई बता सकते हो? एयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी, मतलब किसी का बहुत बड़ा संपत्ति है तो उसके मरने के बाद जो उसका उत्तराधिकारी होगा उसी को कहते हैं एयर, ठीक है? यस सर। अब नेफ्यू, नेफ्यू कहाँ होगा? नेफ्यू मैस्कुलिन जेंडर में होगा, मैस्कुलिन जेंडर में होगा क्योंकि नेफ्यू मींस होता है भतीजा। नेफ्यू मींस क्या होता है? भतीजा, भतीजा। अब चाइल्ड, चाइल्ड हम लोग कहाँ लिखेंगे? नेफ्यू में, न्यूट्रल जेंडर में, न्यूट्रल जेंडर में सर।
क्योंकि बच्चा जो है लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकता है। लेबर, लेबर हम लोग कहाँ लिखेंगे? वो भी न्यूट्रल जेंडर में होगा। न्यूट्रल जेंडर में। अब लायर, लायर मींस वकील, वो कहाँ लिखेंगे? वो भी न्यूट्रल में हो जाएगा। न्यूट्रल जेंडर में। ठीक है, किसी को समझने में कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है। नो सर। लॉयर के बाद इम्प्रेस, इम्प्रेस किस में हो जाएगा बताओ? इम्प्रेस कहाँ लिखेंगे हम लोग? फेमिनिन में। एम्प्रेस के बाद टोडलर, टोडलर को कहाँ लिखेंगे हम लोग? न्यूटर में। और फ्रेंड को कहाँ लिखेंगे? फ्रेंड भी न्यूटर में हो जाएगा। न्यूटर। और गेस्ट, गेस्ट फ्रेंड के बाद, न्यूटर फ्रेंड के बाद है बक, नहीं नहीं फ्रेंड के बाद यहाँ बक है, बक 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 कहाँ हो जाएगा? न्यूट्रल जेंडर में। नहीं, बक मैस्कुलिन में होगा। मैस्कुलिन में। और ये बक का मतलब क्या होता है, कोई बता सकते हो? वो बक नहीं जो बक बक करते रहते तुम लोग, वो वाला बक नहीं। बक का मतलब क्या होता है? बक का मतलब मतलब होता है हिरन। बक का मतलब क्या होता है? हिरन। हिरन। डियर मतलब भी हिरन होता है और बक मतलब भी हिरन होता है। यस सर। तुम लोग बक का मतलब क्या समझ रहे थे? वो जो बक 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 दिन भर करते रहते, वो वाला बक? नो सर। चलो तब तो अच्छा। गेस्ट, गेस्ट हम लोग कहाँ लिखेंगे? न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर, न्यूट्रल जेंडर में। अरे पढ़ाने दो, मेरा भतीजा है साइड में, वो भी पढ़ रहा है। और मास्टर का क्या होगा? मास्टर का मास्टर मैस्कुलिन में जाएगा। चलो ये इतना सारा हो गया, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज था, तुम लोगों को बहुत कुछ नया चीज सीखने को मिला इसमें, है कि नहीं? यस सर। ऐसे बहुत तरह का वर्ड तुम लोग नहीं जानते थे, जैसे डचेस, बक, और क्या क्या था, जांडर, इस तरह का वर्ड नहीं जानते थे। आज मैंने सारा समझा दिया, ठीक है? सारे बच्चों ने लिख लिया? यस सर। चलो तब हम लोग बढ़ते हैं अब आगे। अच्छा अब ये आ गया है, क्या है क्वेश्चन? पढ़ो तो एंजल, क्वेश्चन क्या लिखा है? Find the feminine form of the masculine noun in the one girl. तो हम लोगों को यहाँ ये जो बॉक्स में नाम दिया है, लायन, वेटर, स्टीवर्ड, एयर, फादर, एम्परर, यहाँ हम लोगों को ढूंढना है। तो हम कर कर दिखाते हैं तुम लोगों के सुविधा के लिए, तुम लोग कर लेना फटाफट। सबसे पहले ऊपर एम्प्रेस है, सबसे पहले ऊपर एम्प्रेस है, ये वाला एम्प्रेस। यस सर। फिर उसके बाद मदर है, इस साइड में मदर है। यस सर। फिर इसके बाद वेट्रेस है, थर्ड लाइन में वेट्रेस, ये वाला।
यहाँ वेट्रेस है? यस सर। वेट्रेस के नीचे लायनेस है, वेट्रेस के नीचे लायनेस है। और लायनेस के नीचे एयरेस। और एयरेस के बाद एक लाइन छोड़कर स्टीवर्डेस है, स्टीवर्डेस ये वाला। Yes, sir. किसी को समझने में कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब हम लोग इस पेज में आते हैं और इसको सॉल्व करेंगे। क्या है क्वेश्चन लिखा हुआ? चेंज द जेंडर ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एंड रीराइट देम इन द स्पेस प्रोवाइडेड। तो हम लोगों को सबका जेंडर चेंज करना है। मतलब माय ग्रैंडफादर लिखा है तो इसके जगह पर क्या लिखेंगे? माय ग्रैंडमदर। यस, बस और सारा इजी है। फटाफट हम आंसर लिखना शुरू करें। यस सर, हम लोग भी लिखना है साथ में। हेलो सर, ग्रैंड मदर बॉट मैंगोस फ्रॉम द मार्केट। माय ग्रैंड मदर बॉट mangoes from the market. किसी के घर से कंटिन्यूअसली आवाज आ रही है तो म्यूट करना पड़ेगा मुझे। एंजल के घर से आ रही है आवाज। चलो हम लोग इसको फटाफट करते हैं। ओके सर। यस सर। पहला तुम लोगों ने लिखा? यस सर। यस सर। माय ग्रैंडमदर। फिर से लिख देता हूँ, फिर से लिख देता हूँ, डिलीट हो गया। माय ग्रैंडमदर बाउट मैंगोस फ्रॉम द मार्केट। ओके, नेक्स्ट में क्या होगा? द गर्ल्स लुक्ड हैप्पीली एट द पीकॉक। द बॉयज लुक्ड हैप्पी एट द पीकॉक। पीकॉक, पी हेन, पीकॉक का पी हेन करना है। यस सर। द बॉयज लुक्ड happily at the peahen. You will never see a lion and a tiger together. तो यहाँ का क्या लिखेंगे हम लोग? You will never see a lioness and a tigress. Thank you.
बच्चों को पता है द हीरो ऑफ द फिल्म इज रिसीव्ड एन अवार्ड. यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे? एंड अवार्ड द हीरोइन. The heroine of the film received an award. She is our headmaster's daughter. तो यहाँ क्या लिखेंगे बताओ? He is a headmaster's son. He is our headmistress son. The stallion jumped over the fence. तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग? The mayor jumped over the fence. The mayor jumped over the fence. The man placed the order to the waiter. तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? The woman. Yes, the woman placed the order to the waitress. लास्ट का क्या है? देयर वेयर मैनी पीकॉक्स इन द पार्क. तो लास्ट में क्या लिखना है? पीहेन. देयर वेयर मैनी पीहेन्स इन द पार्क. हो गया? एलन रोज, कोई प्रॉब्लम? नो सर. तुम हेलेन रोज हो? अर्णव अवस्थी, तुम हेलेन रोज हो? नो सर. मैंने बोला हेलेन रोज को कि हेलेन रोज कोई प्रॉब्लम, तुमने बोला नो सर, मतलब तुम हेलेन रोज भी हो और अर्णव अवस्थी भी हो. सर. तो इरेज करें इस पेज को, अब इरेज करें, आगे बढ़ें. यस सर, इरेज कर दीजिए. अब ये न्यू चैप्टर आ गया है, तो न्यू चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में. आज के लिए इतना ही, ठीक है? हेलेन रोज अनम्यूट हो जाओ. कोई प्रॉब्लम समझ में आ गया ना? कोई प्रॉब्लम समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम समझने में? हेलेन रोज, समझ में आई बात या नहीं? यस नो कुछ तो बोलो. अच्छा, इतना देर से रिप्लाई करोगे? हम समझे तुम कहीं बोलने का पैसा तो नहीं लेती हो. सृष्टि कुमारी, कोई प्रॉब्लम समझ गए? यस सर. ठीक है. आशीष आनंद, मास्क लगाया हुआ है वो. आशीष आनंद, घर में भी मास्क लगाते हैं? घर में भी मास्क पहनते हैं?
कहीं सोने टाइम में भी तो मास्क नहीं पहनते हो, ऐसा तो नहीं करते हो? यस सर। लो सोने टाइम में भी मास्क पहनते हो, तब तो सपने में भी मास्क ही देखते होगे सपने में। नो सर। घर में मास्क हटा सकते हो, घर में कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो, सबको अनम्यूट कर दिए हैं, बस हल्ला नहीं करना। बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय सर। कोई प्रॉब्लम समझने में समझ गए ना? किसी को कोई प्रॉब्लम? मिट्टी, सुप्रिया, प्रेरणा, रिया, अपूर्वानंद, अमन बासुकी, सक्षम गुप्ता, तन्मय कुमार, यशराज, अन्विषा सिंह, कोई प्रॉब्लम? मिट्टी, कोई प्रॉब्लम? घर में पढ़ते हो ना तुम लोग? कैसे पढ़ते हैं? एक दिन हम टेस्ट कंडक्ट करेंगे, देखते हैं टेस्ट में कौन से बच्चे का अच्छा मार्क्स आता है। ठीक है प्रेरणा कुमारी? ओके सर। ओके बाय। बाय सर। बाय सर। थैंक यू सर। Bye sir. Bye sir. Thank you sir. Thank you sir. Thank you sir. Thank you sir. Bye sir. Thank you sir. Bye sir. Thank you. Bye sir. Bye sir. Thank you sir. Bye sir. Thank you sir. Bye sir.